प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने अपने निवास पर प्रेसवार्ता की और उनके साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नफीस खान, करेरा मंडल अध्यक्ष हेमंत शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी, सुभाष जाटव, महिला मंडल से श्रीमती सुधा त्रिपाठी मौजूद थे। रावत ने प्रदेश में चल रही जनहितेशी योजनाओं का बखान किया और इंदौर शहर का स्वच्छता में मध्य प्रदेश में नंबर वन स्थान है। वहीं पत्रकारों ने प्रदेश महामंत्री से कहा कि करेरा में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। करेरा का सौभाग्य है कि करेरा विधानसभा में दो मंत्री और आप प्रदेश महामंत्री हैं, इसके बाद भी करेरा का विकास रुका हुआ है। करेरा में सब्जी मंडी का शिलान्यास भी हो चुका है और इसके बाद भी सब्जी मंडी नहीं बनी। इस पर उन्होंने कहा कि नगर परिषद में पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, जनप्रतिनिधि न होने के चलते नगर परिषद कार्य सही नहीं चल रहा है। देखिए प्रदेश महामंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। और किसानों के बारे में जो कहा जाता है, किसानों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय शिवराज जी की सरकार ने अपने पिछले 13 वर्षों के कार्यकाल में और अभी 2 वर्षों के कार्यकाल में बहुत सारी बाधाओं के बावजूद भी ये ऐतिहासिक कदम किसानों के क्षेत्र में हमने उठाए हैं। जहाँ कमलनाथ जी ने प्रदेश के किसानों से 2 लाख तक के कर्ज माफ करने की जो वादा किया था, जिसके आधार पर वो सरकार में आए थे, सरकार में आने के बाद में उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 वर्षों में, चाहे वो फसल बीमा योजना की राशि हो, नुकसान की राहत राशि हो, फसल खरीदी की राशि, उस प्रकार से 1,72,000 करोड़ रुपये किसानों को देने का काम किया है। एक दौर था कि कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों की जो फसल बीमा की राशि मिलना थी, राज्य सरकार का जो मैचिंग ग्रांट वो जमा नहीं कर पाते थे, इसके कारण मध्य प्रदेश के किसान फसल बीमा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। और हमारी सरकार के आने के बाद में माननीय शिवराज जी ने अपने राज्य के कोष से वो राशि जमा करके प्रदेश के किसानों को 17,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि फसल बीमा योजना के माध्यम से देने का काम किया है। इसी प्रकार से समर्थन मूल्य की जो मैंने बात की, मध्य प्रदेश देश का वो राज्य बना जहाँ पंजाब सबसे ज़्यादा खरीदी करता था, लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों की रिकॉर्ड खरीदी मध्य प्रदेश सरकार ने हमने की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के किसानों को 6,000 रुपये मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये राशि 10,000 मिलती है। इसके माध्यम से 2 वर्षों में 15,000 करोड़ की राशि किसानों को देने का काम किया है। और मध्य प्रदेश में जहाँ 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, उसको बढ़ा करके प्रदेश में उसको 45 लाख करने का काम किया है। इस प्रकार से किसानों के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है। इसी प्रकार से कैन बेतवा कैन लिंक की जो परियोजना थी, बुंदेलखंड को जीवन देने वाली योजना थी, लंबे समय से इसके लिए प्रयास हो रहा था। 44,605 करोड़ की लागत की कैन बेतवा लिंक परियोजना स्वीकृत हुई है, जिसके कारण 8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा बुंदेलखंड में बढ़ेगा और बुंदेलखंड के लाखों लोगों को पेयजल का पानी मिलेगा, बुंदेलखंड हरा भरा होगा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जो कुल